ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜਿੰਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਜੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਸੰਜੇ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਸੰਜੇ ਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸਮੇ, ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ। ਨਮਸਕਾਰ ਸੰਜੇ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਕੈਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕੋ? देखिए, ऑपरेशन लोटस ये हमेशा चलाते हैं इन्होंने। जो भी जनता पे टैक्स लगाया है, चाहे दूध पे, छाछ पे, गरीब जनता के आटे पे टैक्स लगाया, उस पैसे को इकट्ठा करके ये ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। अभी आपने देखा होगा, ये आप देख लीजिए कि आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो सीधा सीधा बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अभी आपने गोवा में देख लिया, 11 में से 8 विधायक इन्होंने खरीद लिए, अपनी तरफ कर लिए। तो कांग्रेस इक्वलिटी बीजेपी की वोट है, बीजेपी वोट है। तो जनता जितने भी सुन रही है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान रखे कि कांग्रेस को अगर आप वोट दे रहे हैं तो सीधा बीजेपी को। अब आते हैं पंजाब में। देखिए, आम आदमी पार्टी में पहले इन्होंने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाया, हमारे 4 विधायकों को फोन करा, 20-20 करोड़ के ऑफर दिए। तो यहाँ जो, और अब पंजाब में जैसा आप देख रहे हो, पंजाब में हमारे एक विधायक को इन्होंने कांटेक्ट किया और खरीदने की कोशिश की, ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के विधायक जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब कट्टर देशभक्त हैं। ये देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और ये कभी बिकने वाले नहीं है। ये जनता की सेवा के लिए बने हैं, जनता की सेवा करेंगे। अभी श्री अरविंद केजरीवाल जो हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, दिल्ली इंडिया को नंबर 1 बनाने का प्रोग्राम चालू करा, हरियाणा से चालू करा था, हिसार और आदमपुर से, और पूरी जगह जगह प्रदेशों में जाके मेक इंडिया नंबर 1 का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। हम देश को आगे बढ़ाने की काम की बात करते हैं, न कि देश को पीछे। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, पहले कांग्रेस ने लूट के खाया, अब भाजपा लगातार लूट के खा रही है। और ये ऑपरेशन लोटस आम आदमी पार्टी के विधायकों पर चलने वाला नहीं है, क्योंकि सारे देशभक्त हैं, कट्टर देशभक्त हैं। तो ये ऑपरेशन लोटस यहाँ फेल आके फेल हो जाएगा। यहाँ इनका जो ऑपरेशन लोटस का रथ है, ये यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, यहाँ के थम जाएगा, रुक जाएगा। संजय, बाकी सब चीजें सही है कि, लेकिन ऑपरेशन लोटस आरोप लगाए गए। हरपाल चीमा जी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वही हुई, मुद्दा वही था, लेकिन ये नहीं पता लगा कि आखिरकार विधायक कौन थे, किनको फोन आया और किसने फोन किया। कल FIR तो दर्ज हो गई DGP, लेकिन ये नहीं पता लगा कि वो FIR किसके खिलाफ, अभी अनपहचाते जिसको हम कह देते हैं अननोन, उनके खिलाफ FIR हुई है। तो देखिए, एक तरफ है 92 लोग, आपके 92 विधायक, इतना प्रचंड बहुमत लेके आप पंजाब सरकार चला रहे हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को डर ये हो सकता है कि ऑपरेशन लोटस, इतना प्रचंड बहुमत, क्योंकि बहुत अच्छा बहुमत दिया पंजाब के लोगों ने आपको, उसके बाद भी कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई भी पार्टी इसमें सेंधमारी कर सकती है? देखिए, मैंने आपको वो क्लियर बताया कि आम आदमी पार्टी के अंदर कोई सेंधमारी नहीं कर सकता। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि गोवा में 11 में से 8 विधायक कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए जी, पर 2 विधायक आम आदमी पार्टी के भी हैं, उन पे कोई सेंधमारी नहीं हो सकती। दिल्ली में प्रचंड बहुमत है, पंजाब में प्रचंड बहुमत है, 117 में से 92 सीटें वहां पर है, तो सेंधमारी कोई नहीं कर सकता। लेकिन किसी भी तरह की कोई भी लोटस ऑपरेशन चलाने की कोशिश करेंगे तो हमारे विधायक बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। कट्टर देशभक्त हैं, देश सेवा करने के लिए उतरे आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल, तो यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। FIR हो चुकी है, इसकी तफ्तीश होगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा वो सामने आएगा, उसको सजा मिलेगी। बिल्कुल, पर सेंधमारी तो देखो कपिल जी, सेंधमारी तो दिल्ली में भी हुई थी, साजियाल में आपके साथ आपकी सहयोगी थी, आज बीजेपी की तरफ से बोलते हैं कपिल जी, वो आपको पता ही है, वो भी बीजेपी की तरफ से बोलते हैं। तो सेंधमारी तो मान सकते हैं कि सेंधमारी तो कहीं भी किसी भी तरीके से हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये हो रहा है, जो विपक्ष ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी इसलिए ये मुद्दा उठा रही है क्योंकि उधर गुजरात के चुनाव है और इधर फौजा सिंह सरारी के साथ उसको जोड़ के देखा जा रहा है। फौजा सिंह सरारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फौजा सिंह सरारी ऑडियो भी वायरल होती है, सब चीजें जिसको कहते हैं सबूत, सब चीजें सामने है, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी की तरफ से फौजा सिंह सरारी के जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेके तो कोई भी ऐसी अभी प्रतिक्रिया नहीं आई।
देखिए सारी ऑडियो सारी वायरल होती है, वो जांच का विषय है, उस पर जांच चलेगी और जांच जो भी सामने तथ्य होंगे सामने आएंगे। दूसरी बात, आपने कहा गुजरात को लेके सारी चीजें चल रही हैं, देखिए ये मैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये गुजरात को लेके ही सारी चीज चल रही है, बीजेपी गुजरात को लेके ही सारी चीजें चला रही है क्योंकि उनके घर में जाके आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, वहां की जनता बोल रही है कि हमें भी आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, जनता के हितों में काम करने वाली सरकार चाहिए। जैसे हमने दिल्ली में बिजली पानी स्वास्थ्य स्कूलों पे काम किया है, ऐसे ही हम अभी आपने देखा होगा पंजाब में नए नए मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं, स्वास्थ्य पे काम में जल्द आने वाले टाइम में शिक्षा पे भी काम होगा, अच्छे स्कूल आप देखने को वहां मिलेंगे पंजाब में भी। तो गुजरात की जनता भी यही चाह रही है कि हमारे यहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने और वहां पर अच्छे कार्य हो, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत जरूरत है जनता की, वो आम आदमी पार्टी देने के दे रही है। और हमारे पास एग्जाम्पल है, पहले दिल्ली का था, पंजाब का है। तो बीजेपी को ये बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, इसलिए बीजेपी बार बार सेंधमारी कर रही है, कभी दिल्ली में सेंधमारी कर रही है, कभी पंजाब में सेंधमारी कर रही है। लेकिन मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, यहाँ लोटस ऑपरेशन नहीं चलने वाला, यहाँ बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली, ये कांग्रेस के विधायक होते होंगे जो ईडी से जो सीबीआई से डरते होंगे, आम आदमी पार्टी के विधायक सच्चे और देशभक्त हैं, ये कभी नहीं डरने वाले। यहाँ लोटस ऑपरेशन फिर दोहरा रहा हूं, फेल होगा और फेल होके रहेगा। पर उधर अश्विनी शर्मा जी ने आज राज्यपाल से मिलकर बोला कि सिटिंग हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच करा ली जाए, सीबीआई से इंक्वायरी हो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? चैलेंज किया उन्होंने बीजेपी ने आम आदमी पार्टी। देखिए जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है और जांच हो तो तथ्यों पे जांच होनी चाहिए। आज गोवा में 8 विधायक कैसे टूट के गए वो जांच होनी चाहिए, कर्नाटक में कैसे गए विधायक वो जांच होनी चाहिए, महाराष्ट्र में कैसे गए विधायक वो जांच होनी चाहिए। जगह जगह पर जहां पर ये विधायक तोड़ रहे हैं, वहां पर खरीदे जा रहे हैं विधायक, मतलब 6300 करोड़ रुपए इन्होंने विधायक खरीदने पे लगा दिए पैसे, जनता का पैसा, जो जनता के टैक्स का पैसा था, जो जनता के आटे पे टैक्स लगा दिया इन्होंने, जीएसटी लगा दी, छाछ पे लगा दी, दूध पे लगा दी, दही पे लगा दी, जो रोजमर्रे की जरूरत आने वाली गरीब जनता की चीजें हैं खाने पीने की, उन पे जीएसटी टैक्स लगा दिया, उस पैसे को कहां लेके जाएंगे? ये इन पे खरीदने के लिए लोटस टेम्पल, लोटस ऑपरेशन चलाने के लिए ये पैसा खर्च किया जा रहा है। 6300 करोड़ रुपए एमएलए खरीदने में लगा चुके हैं और 10 लाख करोड़ रुपए ये अपने दोस्तों के, ये दोस्ताना चल रहा है इनका, दोस्तवाद चल रहा है, उस पे लगा चुके हैं, उनको माफ कर चुके हैं, गरीब जनता का इनको बिल्कुल भी नहीं है। जांच का विषय है तो सभी राज्यों में जहां जहां इन्होंने सरकार तोड़ी है, जहां जहां पर एमएलए खरीदे हैं, वहां पर ईडी की जांच हो, सीबीआई के छापे लगे, वहां क्यों नहीं लगते? क्योंकि बीजेपी में आके तो ये गंगा जी में नहा लेते हैं सबके सब, और बीजेपी से बाहर उनके ईडी के छापे भी लगेंगे। आम आदमी पार्टी के मनीष जी हमारे डिप्टी सीएम है, उनके यहाँ पर सीबीआई के छापे इन्होंने मारे, ईडीआई के छापे के लिए तैयारी चल रही है, ईडी के छापे भी लगेंगे ईडी के भी, लेकिन वहां कोई कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर सारे, मैंने कहा फिर दोहरा रहा हूँ कि यहाँ कट्टर देशभक्त ईमानदार है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पर लोटस टेम्पल फेल होगा। और जांच का विषय, महाराष्ट्र में भी जांच हो, गोवा में भी जांच हो, जो जिन जिन स्टेटों में उन्होंने राज्यों में सरकारों में एमएलए खरीद के तोड़ी है, तो वहां पर सब जगह जांच का विषय कराना चाहिए, सीबीआई से जांच हो। पर संजय जी उधर बीएमडब्ल्यू केस को कैसे आप देखते हैं? बीएमडब्ल्यू मान साहब उधर अनाउंस कर देते हैं कि हाँ बीएमडब्ल्यू ने हमें वादा कर दिया कि बीएमडब्ल्यू पंजाब में जल्दी प्लांट लगाने जा रही है, रोजगार आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है पंजाब की तरफ से, और साथ ही साथ ही एक घंटे बाद बीएमडब्ल्यू की तरफ से एक प्रेस रिलीज किया जाता है कि हमारा अभी तक ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो उसको कैसे देखते हैं? क्या आम आदमी पार्टी या मान साहब की तरफ से बहुत जल्दबाजी कर दी गई कि हाँ फटाफट हम इस चक्कर में तो नहीं कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं? जी देखो आपने, आपको पता है कि मेरी हिसाब से, मेरे ख्याल से 2.5 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ के करीब अब कर्जा है पंजाब में, उसमें से 13,000 कुछ ऐसे करके हमने भी कम भी कर दिया, उसको चुकता कर दिया इतनी जल्दी उसमें, और जल्दी से जल्दी विकास के लिए 5 साल का टाइम है। हम चाहते हैं कि पंजाब कर्जा मुक्त हो जाए, जो 3 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के ऊपर है उसको हम जल्दी से जल्दी चुकता कर दें, और लगातार विकास की तरफ भगवत मान जी काम कर रहे हैं, पंजाब के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें लगातार वो काम करते रहेंगे। संजय जी जाते जाते एक चीज और बताइए कि फौजा सिंह सरारी पे मैं वापस दोबारा आपको लेके आऊंगा, फौजा सिंह सरारी अगर दोषी पाए जाते हैं, बिकॉज अभी तक क्योंकि जो डॉक्टर सिंगला थे उनकी ऑडियो ना वीडियो देखो जनता में नहीं आई, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन जरूर हुआ
और लोगों ने सराहा भी उसको, वाकई में सराहा, और होना भी चाहिए, ये एथिकली और बड़ी सही पॉलिटिक्स ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन उधर फौजा सिंह सरारी के, जिसके सबूत जनता के पास भी हैं, विरोधियों के पास भी हैं, निशाने पे आम आदमी पार्टी भी है, तो फौजा सिंह सरारी पे कब तक आप उसको क्लीन चिट कह सकते हैं या कब तक उस पे फैसला लेगी आम आदमी पार्टी? क्या इंतजार है मान साहब का? फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जांच का विषय, जांच चल रहा है, जैसे दोषी पाए जाएंगे वैसे एक्शन लेगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना पक्ष रखा आज ऑपरेशन लोटस और फौजा सिंह सरारी के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद।